कैसे हो दोस्तों आप सभी लोग। स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का एक न्यू जॉब अपडेट में जो कि अनाउंस की गई है मोलिक्स की तरफ से। मोलिक्स इज हायरिंग फॉर ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी और यहाँ पे दोस्तों आपका जॉब लोकेशन बेंगलोर कर्नाटका इंडिया में देखने को मिल जाएगा। आपको यहाँ पे बेंगलोर में जाके इस जॉब को करना रहता है। सो दोस्तों इस जॉब के अपडेट में आपको यहाँ पे क्या क्या वर्क एनरोल करने रहेंगे, जो भी आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगे, यहाँ पे उन्होंने डिटेल में बता दिया है। सो दोस्तों पहले तो बताया गया है कि आपको यहाँ पे सपोर्ट एंड ऑल प्रोवाइड करना रहेगा इनकी टीम एंड ऑल को। यहाँ पे दोस्तों आपको यहाँ पे प्रॉपर रिक्वायरमेंट्स एंड ऑल को फुलफिल करने रहेंगे। यहाँ पे आपका CAD FEA टेस्टिंग सपोर्ट के ऊपर आपका स्किल्स वगैरह रहना चाहिए। आपको यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना होगा CAD FEA टेस्टिंग एंड ऑल में। यहाँ पे दोस्तों आपको यहाँ पे टेस्टिंग एंड ऑल करना रहता है, कोलेबरेटिवली वर्क करना रहेगा अपने पीयर्स एंड ऑल के साथ। यहाँ पे जो भी अदर इंजीनियरिंग ग्रुप्स मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स रहेंगे इनके साथ भी आपको यहाँ पे कोलेबरेशन होते हुए वर्क करना रहता है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है आपके पास यहाँ पे डेप्थ अंडरस्टैंडिंग रहना चाहिए प्रोडक्ट्स फैमिलीज HDE PK PS ASTS एक्सेट्रा एंड ऑल। यहाँ पे दोस्तों आपको यहाँ पे बिजनेस के रिक्वायरमेंट्स को समझ के प्रॉपरली अचीव एंड ऑल करने रहेंगे। यहाँ पे दोस्तों आपको यहाँ पे कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट पे भी फोकस करना रहेगा। आपको यहाँ पे CAD के टूल्स के ऊपर वर्क करने रहेंगे, प्रेजेंटेशन टूल्स के ऊपर वर्क करना रहेगा। यहाँ पे दोस्तों आपको यहाँ पे सेल्फ प्लानिंग एंड ऑल करने रहेंगे, क्लोजली वर्क करना रहेगा सुपरवाइजर एंड ऑल के साथ। फिर उसके बाद दोस्तों बताया गया कि आपको यहाँ पे क्वालिटी आइडियाज एंड ऑल को भी फॉलो करने रहेंगे। यहाँ पे आपको प्रोडक्ट सजेशन हो गया, इनोवेटिव आइडियाज हो गया, आपको यहाँ पे अपने खुद के स्ट्रेटेजी एंड ऑल लगा के कैसे वर्क एंड ऑल को कंप्लीट करना है, आपके पास यहाँ पे कैपेबिलिटी रहना चाहिए। यहाँ पे आप डिफरेंट इंजीनियरिंग टीम्स एंड ऑल के साथ वर्क करने वाले हो, ये सर आपके कुछ डेली बेसिस के वर्क एंड ऑल देखने को मिल जाएंगे। सो यहाँ पे अगर आप डेली बेसिस के वर्क एंड ऑल को हैंडल कर सकते हो तो दोस्तों आपको यहाँ पे अप्लाई कर देना है। सो यहाँ पे आपकी ये सारे डेली बेसिस के वर्क देखने को मिल जाएंगे। बढ़ते हैं आपके क्वालिफिकेशन की तरफ। यहाँ पे BE ग्रेजुएट इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग और पोस्ट ग्रेजुएट मैकेनिकल के स्टूडेंट्स यहाँ पे इजिली अप्लाई कर सकते हैं। फिर बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों बताया गया है आपके पास गुड स्किल्स रहना चाहिए, NX और ECTR, नॉलेज ऑफ हाइपरमेश प्रेफरेबली, जैसे कि यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है। प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस के ऊपर आपका अंडरस्टैंडिंग मांगा गया है, गुड अंडरस्टैंडिंग रहना चाहिए आपका इंजीनियरिंग फंडामेंटल्स के ऊपर भी। यहाँ पे दोस्तों जो भी यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के रिक्वायरमेंट्स रहेंगे आपको यहाँ पे फुलफिल करना रहेगा। उसके बाद दोस्तों बताया गया है बेसिक नॉलेज रहना चाहिए SAP ERP एंड PLM सिस्टम्स एंड ऑल में। यहाँ पे गुड कम्युनिकेशन स्किल्स मांगे गए हैं। यहाँ पे दोस्तों आपके पास यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्फ्रेंस कॉल्स एंड ऑल को हैंडल करना रहेगा। सेल्फ ड्रिवन एंड क्विक लर्निंग के भी स्किल्स आपके पास रहना चाहिए। सो दोस्तों यहाँ पे ये सारे स्किल्स एंड ऑल रिक्वायर्ड हैं ये वाले जॉब की अपडेट में। यहाँ पे फ्रेश स्टूडेंट्स इजीली अप्लाई कर सकते हैं जैसे कि आप लोग देख सकते हो। और आपकी एक्सपेक्टेड एवरेज एनुअल सैलरी 5.6 लाख पर एनएम के रहने वाली है। बिलो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप लोग जाके अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको ये जॉब अपडेट अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कर देना और रेगुलर जॉब अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट को लेकर। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।